उनमें ये सर्वश्रेष्ठ शक्ति सर्वशक्तिवर ये अधिष्ठात्री शक्ति है और सारी शक्तियों में श्रेष्ठ है। सर्वलक्ष्मी इसकी व्याख्या चल रही है कि सर्व सौंदर्य कांति विषय यहाते, सारा सौंदर्य सारी कांति इनके भीतर ही स्थित है। सर्व लक्ष्मी गणेश शोभा है यहां है ते, अन्य जितने भी प्रियागण वे अन्य प्रियागण इनमें ही विराजमान। श्री राधिका में सारा सौंदर्य आकर के विराजमान हो गया, इसलिए श्री उद्धव जी कह रहे हैं कि आहा श्री राधिका का जैसा ब्रजगोपिका गणों का जैसा सौभाग्य है ऐसा और किसी का नहीं, महालक्ष्मी का भी नहीं। निमोतांग रते प्रसादम स्वर्योचिता नलनंद्र चाम कुतुन्या रासोत्सव से विजरंड गृहित कंठ हो लब्धा सुशाम ये उद्गार ब्रज सुंदरी नाम और बल्लभी नाम दोनों पाठ है। और सुंदरी नाम का तात्पर्य है कि सौंदर्य में भी ये श्री लक्ष्मी से भी अधिक श्रेष्ठ होकर के विराजमान। ब्रज बल्लभी नाम सारी बल्लभियों में भी सुंदर है और ब्रज सुंदरी नाम सुनेमा नितांगुन रते प्रसादम श्री राधिका में जो अपूर्व कृष्ण का माधुर्य कृष्ण की वशीभूतता विराजमान है वो अन्य किसी में भी नहीं है, क्योंकि रासोत्सव से भुजदंड गृहित कंठ और रासोत्सव में श्री कृष्ण के कंठ को ग्रहण करके कृष्ण को नचा लेना ये इनकी ही सामर्थ्य है, महालक्ष्मी की भी सामर्थ्य नहीं है कि वो नारायण को अपने साथ में नाचने के लिए बाध्य कर दें, परंतु ये नारायण को अपने साथ में श्री कृष्ण को अपने साथ में नाचने के लिए बाध्य कर देती हैं। रुक्मिणी में सामर्थ्य नहीं है कि श्री कृष्ण को अपने साथ में रास में नचा लें बाध्य कर दें, परंतु ये श्री कृष्ण को भी बाध्य कर लेती है। तो ये अब तो तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्तिवर ये सर्व लक्ष्मीमयी है, सभी की अधिष्ठात्री शक्ति है, सब शक्तियों में श्रेष्ठ है। सर्व सौंदर्य कांति वही सही यहाँ थे, सारी सौंदर्य और कांति इनमें ही एक जगह आकर के बैठ गई है, इसलिए सर्व लक्ष्मी है। और सर्व लक्ष्मी क्यों है, बोले सर्व लक्ष्मी गणेश शोभा है यहाँ आई थे, ये है सब लक्ष्मियों शोभा की मूल स्थान और जहां जहां भी शोभा आई है इनसे ही वो शोभा गई है। तो सर्व लक्ष्मी की तीन तरह से व्याख्या की, सर्व लक्ष्मी माने जितने भी छह ऐश्वर्य उनमें सर्वश्रेष्ठ है एक अर्थ, फिर दूसरा अर्थ हुआ सौंदर्य और कांति इनमें विराजमान है, और तीसरा अर्थ है जहां जहां भी कृष्ण प्रिया हैं उन प्रियाओं में इनका अंश ही विद्यमान है, इसलिए कृष्ण उनकी ओर आकर्षित हैं, राधिका के अतिरिक्त कृष्ण किसी और की ओर आकर्षित नहीं हो सकते। जैसे श्री राधिका का स्पर्श कोई दूसरा नहीं कर सकता, ऐसे ही जहां श्री राधिका का सौंदर्य विराजमान है वहां ही कृष्ण वशीभूत होंगे। गोपी के स्पर्श करने की किसी अन्य की सामर्थ्य नहीं, ऐसे ही कृष्ण के स्पर्श करने की भी राधिका शक्ति के बिना किसी अन्य की सामर्थ्य नहीं, ये कहने का मतलब। तो सर्वलक्ष्मी की तीन व्याख्या हो गई, छह ऐश्वर्य उनकी अधिष्ठात्री एक अर्थ, फिर सौंदर्य कांति परिपूर्ण रूप से यहां विराजमान ये दूसरा अर्थ, और तीसरा जहां जहां भी कृष्ण की प्रिया रूपता प्राप्त है वो इनके कारण ही प्राप्त हुई है। तो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी
सर्वकांति, ये सर्वकांति होकर के विराजमान। कांति शब्द किसको कहेंगे, किंबा कांति शब्द कृष्ण सर्व इच्छा कहे। कांति शब्द का अर्थ है इच्छा, कृष्ण की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं। श्री राधिका का आश्रय लेकर के ही रहती हैं, श्री कृष्ण की सभी इच्छाएं श्री राधिका के आश्रय को लेकर के ही रहती हैं। कमु धातु है कामना करने के अर्थ में, इच्छा करने के अर्थ में। कांति का मतलब है जिसकी इच्छा की जाए उसका नाम कांति हुई। तो ये सर्व कांति माने सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली होकर के विराजमान। तो किंबा कांति शब्द कृष्णे सब इच्छा कहे, कृष्णे सकल वांछा राधाते ही रहे। श्री कृष्ण की जितनी भी इच्छाएं हैं वे श्री राधिका में ही निरंतर निरंतर निवास करती हैं और कहीं दूसरी जगह निवास नहीं करती। राधिका करें कृष्ण वांछित पूरण, सर्व कांति शब्दे एहि अर्थ विवरण। राधिका श्री कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, इसलिए सर्व कांति शब्द का यही अर्थ प्रकट किया गया। राधिका परदेवता सर्व कांति मही। अब सम्मोहिनी, सम्मोहिनी का अर्थ कर रहे हैं कि जगन मोहन कृष्ण ताहर मोहिनी, अतएव समस्ते परा ठकुरा। जगत को मोहित करने वाले हैं कृष्ण और कृष्ण को भी मोहित करने वाली हैं श्री राधिका, इसलिए श्री राधिका समस्ते परा, सबसे परा होकर के विराजमान है। वे सबकी ठकुराणी है, परा ठकुराणी होकर के विराजमान है। अतएव समस्ते परा, वे सबसे परा होकर के विराजमान। परा का तात्पर्य है ठकुरा। तो सम्मोहिनी कृष्ण को भी मोहित करने वाली और परा माने ठकुराणी, श्री कृष्ण की भी स्वामी होकर के विराजमान। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, दोनों में कोई भेद नहीं है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है कि शक्ति शक्तिमान इन दोनों में अभेद प्राप्त होता है। भेद दिखता है परंतु भेद दिखते हुए भी अभेद प्राप्त होता है। जैसे मृगमद तारगंध यैछे अविच्छेद, कस्तूरी और कस्तूरी की गंध जैसे अविच्छेद माने अलग अलग नहीं है। अग्नि ज्वालाते यैछे नहीं कभी भेद, अग्नि और उसकी ज्वाला उनमें कुछ भेद नहीं है। ऐसे ही राधा कृष्ण सदा एक रूप ही होकर के विराजमान है। राधा कृष्ण कोई कहे अग्नि लाओ तो ज्वाला आएगी आएगी, कस्तूरी लाओ तो कस्तूरी की गंध आएगी आएगी। तो मृगमन मन कस्तूरी और उसकी गंध जैसे अलग नहीं हो सकती है, अग्नि और उसकी ज्वाला वो कभी अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसी प्रकार राधा कृष्ण एक स्वरूप होकर के विराजमान। लीला रस आदा आस्वादित धारे दुई रूप, लीला रस का आस्वादन करने पर वह अग्नि और ज्वाला इन दो रूपों को धारण करके विराजमान हो रही हैं। इसको इस तरह समझाया जा सकता है कि अग्नि की ज्वाला को ढाका तो जा सकता है परंतु ज्वाला को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता है। अग्नि जहां है वही ज्वाला रहेगी, अग्नि की ज्वाला को अलग। कस्तूरी की गंध को डिबिया के भीतर बंद करके ढाका तो जा सकता है परंतु
गंध को कस्तूरी से अलग कैसे किया जाएगा, जहां भी गंध है वहां कस्तूरी का अंश विद्यमान है। वातावरण में जो कहीं वायु है उसमें कणों में कस्तूरी कहीं बसी हुई है, तो कस्तूरी ही बसी हुई है गंध के रूप में। ऐसे ही श्री राधा कृष्ण ये दोनों केवल प्रकट रूप में लीला करने के लिए लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप, लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप हैं। ब्रह्म रूप में शक्ति शक्तिमान में है परंतु ढकी हुई है, परंतु तो भगवत स्वरूप में वही शक्ति प्रकट होकर के विराजमान है और वह शक्ति लीला भी कर रही है, अर्थात वो शक्ति जो है वह कहीं प्रकट होकर के विराजमान है और प्रकट होते हुए प्रकट जो गंध है प्रकट अग्नि वही कार्यकारी होकर के विराजमान होती है। तो मृदमग तार गंध ये छे अभिच्छेद, जैसे कस्तूरी और कस्तूरी की गंध अभिच्छेद माने अभिन्न है, अग्नि की ज्वाला जैसे अग्नि से कभी अलग नहीं हो सकती, इसी प्रकार राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं। कभी वे अपने स्वरूप को प्रकट करें कभी नहीं करें, परंतु हैं वे अभिन्न। श्री कृष्ण जैसे राधिका से इसी प्रकार एक स्वरूप है, लीला रस का आस्वादन करने के लिए उन्होंने दो स्वरूप को प्रकट कर लिया है। प्रेम भक्ति सिखाई थे आपने अवतार, प्रेम भक्ति की शिक्षा देने के लिए आप अवतार धारण करते हैं। राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी, श्री राधा भाव और कांति इन दो को श्री कृष्ण ने प्रेम भक्ति का शिक्षा देने के लिए अंगीकार किया। माने शक्ति और शक्तिमान में भेद और अभेद दोनों हैं और ये भेद और अभेद अचिंत्यता के कारण विराजमान है। शक्तिमान में अचिंत्य नाम करके एक शक्ति रहती है और उस अचिंत्य शक्ति के कारण कभी शक्ति सामने प्रकट हो जाती है कभी शक्ति सामने प्रकट नहीं होती। जितने भी शक्ति शक्तिमान पदार्थ हैं उन सब में अचिंत्य नाम करके एक शक्ति है, उस अचिंत्य शक्ति से वह स्वरूप कभी कार्य रूप में प्रकट होता है कभी अचिंत्य शक्ति से कार्य रूप में प्रकट नहीं होता है। जब कार्य रूप में प्रकट नहीं होता है तब शक्ति शक्तिमान का अभेद दिखता है, जब अचिंत्य शक्ति उस कार्य को कारण से अलग करके प्रकट कर देती है तो वही भेद प्रकट होने लगता है। शक्ति शक्तिमान दो अलग अलग दिखने लगते हैं परंतु वे अलग अलग नहीं है। तो अचिंत्य शक्ति के कारण ही शक्ति शक्तिमान भेद और अभेद को प्राप्त है। अब अचिंत्य क्या है इसका यदि विचार करें तो अचिंत्य का एक अर्थ है तर्क अगोचर, माने जहां पर कोई तर्क कार्य कारण ऐसा क्यों है ये कार्य कारण का संबंध स्थापित नहीं किया जाए उसको हम अचिंत्य कहेंगे। तर्कागोचरता माने कार्य कारण के संबंध को जहां स्पष्ट रूप से नहीं जाना जा सके उसको हम अचिंत्य कह देंगे। जैसे कस्तूरी की गंध अलग भी है और अलग भी नहीं है, क्यों है इसमें तर्क नहीं दिया जा सकता है, तो तर्कागोचर कारण उसको अचिंत्य कह देंगे। फिर अचिंत्य का तात्पर्य है विरुद्ध धर्माश्रय का। अचिंत्य का एक दूसरा अर्थ होगा कि दो विरुद्ध धर्म एक काल में यदि विराजमान हो, कि ऐसा भी हो ऐसा नहीं भी है, दोनों एक काल में विराजमान हो तो उसको फिर अचिंत्य कहा जाएगा।
तर्क अगोचर होने के कारण तर्क नहीं चल रहा है, इसलिए उसको अचिंत कह दिया गया। दो विरुद्ध धर्म उसमें विराजमान है, इसलिए उसको अचिंत कह दिया गया। श्री कृष्ण विभू होकर के विराजमान और बड़ी से बड़ी डोरी से यशोदा मैया कन्हैया को बांध रही हैं, परंतु कन्हैया बदने में नहीं आए। विरुद्ध धर्म माने परिच्छेद, परिच्छन्नता और विभुता, ये दो विरोधी धर्म एक काल में कृष्ण में दिख रहे हैं। कन्हैया ने कोधनी पहन रखी है, कोधनी तड़क के टूटी नहीं, और बड़ी से बड़ी डोरी यशोदा ने गांठ लगा लगा करके खूब लंबी डोरी कर ली है, परंतु फिर भी उस डोरी से कृष्ण बंध नहीं रहे। इसका नाम हुआ अचिंत्यता। फिर तीसरी अचिंत्यता का अर्थ है कि अविकृत परिणाम, इसका नाम भी अचिंत्यता होगा। अविकृत परिणाम का तात्पर्य है कि सोने ने अपना रूप छोड़ा नहीं, और सोना कहीं कुंडल बन गया, कहीं कान का कुंडल बन गया, कहीं हाथ का कड़ा बन गया। कुंडल कंकर रूप में अनेक रूप धारण कर लिए, अब जो कंगन है उसको कुंडल की तरह से प्रयोग नहीं किया जा सकता, जो कुंडल है उसका कंगन की तरह से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उनके नाम भी अलग हैं, परंतु अभिन्न रूप में वह स्वर्ण ही है। इसको कहते हैं अविकृत, माने सोने में विकार आया नहीं और वह अन्य रूप में परिणत हो गया, अविकृत परिणाम, इसको भी अचिंत्यता कहा जाएगा। तो विरुद्ध धर्माश्रयता, अचिंत्य परिणाम और तर्कागोचरता, इन तीन चीज अचिंत्य हुई। अब ये तीन चीज वस्तु में क्यों है, तर्क अगोचर होकर के भेद होते हुए भी भेद क्यों है, क्यों नहीं है, इसमें यदि बुद्धि नहीं चल रही है तो बुद्धि से बुद्धि न चलने के कारण घबरा करके यदि कोई ये कह दे कि आप क्या करें, अपनी बात ही कट रही है, एक और कह रहे हो तुम भेद, दूसरी ओर कह रहे हो अभेद, तो बुद्धि नहीं चल रही है, इसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए, केवल दूसरे को बंद करने के लिए यदि ये कह दिया जाए अचिंत्य, माने अब अचिंत्य कहकर के इसको छोड़ दो, तो ये तुम्हारी पराजय हुई, एक तरह से हार हुई, कि तुम्हारा बस नहीं चल रहा है, जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसलिए तुम अचिंत्य कहकर के उसको छोड़ रहे। दो विरोधी चीज हैं और उनमें विरोध क्यों है, इसका कारण, और विरोध क्यों नहीं है, विरोध होने पर भी विरोध क्यों नहीं है, और विरोध है तो विरोध वह कार्य क्यों नहीं कर रहा है, इसको तुम बता नहीं पा रहे हो, इसलिए तुमने अचिंत्य कहकर के छोड़ दिया उसे। तो तर्कातीतता होने के कारण अचिंत्य कहा, तो यह भी पराजय है एक तरह की। विरुद्ध धर्माश्रय होने के कारण भी बात बोली आए कि विरुद्ध धर्माश्रय में कोई हेतु नहीं बता रहे हो, इसलिए उसको अचिंत्य कहकर के छोड़ दिया, यह भी तुम्हारी पराजय हुई। और अविकृत परिणाम रूप में वो विराजमान है, परंतु अविकृत परिणाम को भी कहीं ना कहीं काटा जा सकता है। कोई वस्तु अपना फल दे रही है, परंतु उसको भी कहीं ना कहीं काटा जा सकता है। जैसे अग्नि का स्वरूप है दाह करना, परंतु यदि कोई मणि मंत्र और औषधि इनमें से किसी एक चीज को धारण कर ले और मणि के प्रभाव से धकधकाती हुई अग्नि में होकर के वो पंडा यदि होली में होकर के निकल जाए, या मंत्र के प्रभाव से निकल जाए, या औषधि के प्रभाव से निकल जाए, तो कभी कभी मणि मंत्र औषधि इनके कारण भी वस्तु के शक्ति और शक्तिमान के भेद को नष्ट किया जा सकता है। सर्प का प्रभाव हो रहा है, विष का प्रभाव चल रहा है, परंतु
कोई मंत्र है उल्टा सीधा सही मंत्र जिसमें न कोई व्याकरण है न कोई काव्य है न कोई छंद है, आला धक्का माला धक्का फक्का, अरे सर्प का बच्चा भाग जा, ऐसे इस तरह के जो मंत्र हैं ओघर, वे उन मंत्रों में उनमें देखें तो न कोई छंद है न उसमें कोई कविता है न कोई तुक है, फिर भी उनमें न जाने क्या प्रभाव है कि विष उतर जाए। तो जो प्रभाव है वो प्रभाव को भी जहां दूर कर दिया जाए तो शक्ति शक्तिमान इनमें जो अचिंत्यता है उस उसके प्रभाव को, शक्ति शक्तिमान इनके प्रभाव को भी कहीं दूर कर दिया जाए तो वो दूर किया जा सकता है, परंतु उसमें भी कहीं मंत्र कारण हो गया, परंतु एक शक्ति ऐसी है कि वो अचिंत्यता सर्वदा बनी रहे कभी दूर न हो, उसको कैसे सिद्ध करोगे। तो अचिंत्य का एक अर्थ हुआ था तर्क अतीत, अचिंत्य का दूसरा अर्थ हुआ था कि विरुद्ध धर्म एक काल में प्राप्त होना, अचिंत्य का तीसरा अर्थ हुआ कि वस्तु में विकार न हो और अन्य रूप में परिणाम हो जाए, उसका फल सामने आ जाए, ये अविकृत परिणाम को कहीं रोका जा सकता है मणिमंत्र औषधि के द्वारा। तीसरी जो बात थी उसको मणिमंत्र औषधि के द्वारा कहीं रोका जा सकता है, परंतु मणिमंत्र औषधि के द्वारा रोकने पर वो अचिंत्यता कहीं खंडित हो जाएगी उसकी, परंतु भगवान की जो अचिंत्यता है वो ऐसी है कि उसमें विरुद्ध धर्माश्रयता एक काल में बनी रहेगी, तर्कातीतता भी एक काल में बनी रहेगी, और अविकृत परिणाम माने कार्य और कारण का जो संबंध है, कार्य अपने आप को नष्ट न करते हुए अन्य रूप में परिणत हो रहा है, इसको मणिमंत्र औषधि के प्रभाव से भी नहीं रोका जाए, तो ऐसी जो अचिंत्यता होगी वो अचिंत्यता ही वास्तविक अचिंत्यता होगी, और ऐसी अचिंत्यता इसको हम कैसे जाएंगे, इसलिए अचिंत्यता का एक चौथा अर्थ लेना पड़ेगा, वो चौथा अर्थ होगा शास्त्रिक वेद्यता। इसलिए अचिंत्यता का अर्थ हुआ मूल रूप में शास्त्र वेद, शास्त्र ने जैसा वर्णन किया है उसको मानेंगे, इसने तुम्हारी बुद्धि नहीं चलेगी, तुम्हारे हेतु नहीं चलेंगे, कोई मणिमंत्र औषधि नहीं चलेगी, इसमें विरुद्ध धर्माश्रयता परस्पर कहीं बाधा नहीं डालेगी, जैसे समुद्र में मगर भी है मछली भी है, मगर मछली इनका बैर है पर समुद्र के साथ में बैर नहीं है, क्यों नहीं है इसमें कोई कारण नहीं चलेगा, इसमें समुद्र का स्वभाव ही एकमात्र कारण होगा। इसी प्रकार शास्त्र भगवान के अचिंत्य नित्य शक्ति का वर्णन करते हैं, इस आधार को ही अचिंत का मूल अर्थ लेना पड़ेगा। तो निष्कर्ष की बात यह है कि अचिंत्य भेदा भेद का तात्पर्य हुआ शास्त्र ने भगवान की शक्ति का स्वरूप ही ऐसा वर्णन किया है कि वह तर्कातीत है, विरुद्ध धर्म होने पर भी उसमें कहीं बाधा नहीं आती, और वो वस्तु मणिमंत्र औषधि के द्वारा कभी भी खंडित भी नहीं हो सकती, यह शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित है, अतः शास्त्र को आधार मान करके शक्ति शक्तिमान उस पदार्थ को सर्वदा शक्ति से युक्त करके ही हम मानेंगे, और शक्ति से युक्त होने पर भी कभी वह तर्क के अनुकूल अपने आप को प्रकट करेगी, कभी तर्क जहां नहीं चल रहे हैं वहां भी वह अपने प्रभाव को उत्पन्न कर देगी। इस प्रकार श्री राधिका श्री कृष्ण की शक्ति हैं, शक्ति भी अचिंत्य शक्ति है जो कृष्ण से कृष्ण के रूप में ही शास्त्र में वर्णित की गई हैं। श्री राधिका कृष्ण की वे शक्ति हैं
जो कृष्ण की स्वरूप भूता है, कृष्ण के रूप में ही शास्त्र में वर्णन की गई हैं, और वे शास्त्र के आधार पर ही तर्कातीत हैं, शास्त्र के आधार पर ही कृष्ण से अभिन्न होते हुए भी भिन्न हैं, अर्थात विरुद्ध धर्माश्रय हैं, और शास्त्र के आधार पर ही वे कहीं अविकृत होकर के विराजमान, कृष्ण से अविकृत होकर के वे विराजमान हैं। इन तीनों को शास्त्र के आधार पर माना जाएगा, इनको युक्तियों के आधार पर हम नहीं सिद्ध कर सकते हैं। किसी लेबोरेटरी में भी इसको टेस्ट ट्यूब में हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ये शास्त्र के आधार पर ही एकमात्र सिद्ध होगी। जहां लेबोरेटरी में सिद्ध नहीं किया जा सकता है, ऐसी भी वस्तुओं के शक्ति और शक्तिमान के भेद को मणि मंत्र औषधि के प्रभाव से बाधित किया जा सकता है, परंतु श्री कृष्ण की जो शक्ति है, श्री राधिका, उनको कृष्ण से अभिन्न रूप में कभी भी बाधित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार श्री राधिका अचिंत्य भेद और अभेदमयी हैं, कृष्ण से अभिन्न भी हैं और कृष्ण से भिन्न होकर के ही भी विराजमान हैं, तर्क से अतीत हैं, विरुद्ध धर्म उनमें विराजमान हैं, उनमें अपने आप को प्रकट करने पर भी, अपनी ताकत को, शक्ति को प्रकट, अपने कार्य को प्रकट करने पर भी वे स्वयं में परिणत नहीं होती, जबकि प्राकृत जितनी भी शक्तियां हैं वे मणि मंत्र औषधि के प्रभाव से दूर हो जाती हैं। इसलिए जब राधिका का वर्णन करने के लिए बैठे उस समय शास्त्र ये कहते हैं कि अचिंत्य आखिर ये भावा, श्री राधिका अचिंत्य हुई और उनके लिए शास्त्र ने एक आदेश प्रदान किया कि अचिंत्य आखिर ये भावा नतांस तर्केण योजयेत, जो भाव अचिंत्य हैं उनको तर्क के साथ में नहीं मिलाना चाहिए, तर्क के साथ में मिलाओगे तो अपराधी हो जाओगे, सीधा सीधा बात। योजयेत इसमें विधिलिंग का प्रयोग विधि में है, आदेश में है, जैसे शास्त्र ने कहा कि परस्त्रीं नाभिगम्येत, पराई स्त्री के साथ में अभिगमन नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्यों नहीं करना चाहिए, कोई तर्क नहीं है, शास्त्र ने कह दिया उसको मान लो चुपचाप। ऐसे ही अचिंत्य यदि कोई वस्तु है, श्री राधिका अचिंत्य है, तो उनमें तर्क मत जोड़ो। अब तर्क जोड़ोगे कि नहीं साहब, तर्क जोड़ने का प्रयास किया गया, जयपुर में श्री गोविंद देव जी के साथ में श्री राधिका स्वरूप विराजमान, और वहां के किसी तांत्रिक पंडित ने यह कह दिया नहीं साहब, कृष्ण के साथ में राधिका को मत बैठाओ, राधिका का अधिकार नहीं बनता है, कृष्ण का विवाह हुआ है रुक्मणी जी के साथ में, इसलिए गोविंद स्वरूप के साथ में रुक्मणी स्वरूप की कहीं स्थापना करें की जाएगी, अभी राधिका के साथ में बैठाना ये तो समाज को एक गलत मैसेज जाएगा, इसलिए हटाओ राधा रानी। और राजा आ गया प्रभाव में, इतिहास की घटना है, ये तो इतिहास की घटना है, राजा प्रभाव में आ गए और शिवप्रिया जी को लेकर के अलग मंदिर में बैठा दिया। अब वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी वृद्ध, उनसे कहा जाओ शास्त्रार्थ कर आओ भाई, प्रिया जी को अलग हो बैठा दिया गया है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कह रहे हैं बोले नहीं नहीं चिंता मत करो, राधा रानी ने थोड़ा सा मान किया है, जल्दी मान जाए, ऐसा है नहीं। फिर उन्होंने बलदेव विद्याभूषण जी को वृंदावन से भेजा, श्री बलदेव विद्याभूषण उस समय श्री कृष्णदास उनके साथ में जिस समय गए, तब उन्होंने सिद्धांत स्थापित किया कि नहीं, ये अचिंत्य भेदाभेद को स्थापना की कि प्रत्येक वस्तु जहां शक्ति शक्तिमान है, प्राकृत शक्ति शक्तिमान में भी कहीं अचिंत्यता नाम की एक शक्ति रहती है,
अग्नि और अग्नि का ताप बिल्कुल प्राकृत है, भौतिक वस्तु है, परंतु भौतिक वस्तु होने पर भी शक्ति शक्तिमान के संबंध में अचिंत्यता एक वस्तु विराजमान है और उस अचिंत्यता के कारण ही अग्नि और अग्नि का ताप अलग भी है अलग नहीं भी है। हम चिन्मय की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो प्राकृत की बात कर रहे हैं। कस्तूरी कस्तूरी की गंध प्राकृत वस्तु है, परंतु उनमें भी अचिंत्यता विराजमान है। अचिंत्यता के तीन अर्थ किए जाएंगे। अचिंत्यता माने जहां तर्क नहीं चले उसका नाम अचिंत्य, जहां पर दो विरोधी कॉन्ट्राडिक्टरी गुण प्राप्त हो एक काल में उसका नाम अचिंत्य। और अचिंत्य का तीसरा नाम है कि वस्तु अपने आप को बिगड़े नहीं और अन्य रूप में अपने आप को परिणत कर दे। अविकृत परिणाम, अविकृत परिणाम विरुद्ध धर्माश्रयता और तर्कातीतता, इन तीन को हम अचिंत्य कहेंगे। परंतु ये तीनों चीज रूप में जो अचिंत्य आया, अचिंत्य के ये तीन जो फॉर्म आई, ये तीन जो स्वरूप सामने आए, इन तीनों स्वरूपों को प्राकृत को कहीं मणि मंत्र औषधि के प्रभाव से किसी अन्य प्रभाव से भी रोका जा सकता है। परंतु तो श्री प्रभु में जो अचिंत्यता है वो अचिंत्यता ऐसी है जिसको कभी भी रोका नहीं जा सकता। बोले उस अचिंत्यता में प्रमाण क्या है? बोले उस अचिंत्यता में प्रमाण शास्त्र है। इसलिए अचिंत्य का अर्थ हुआ शास्त्र द्वारा स्थापित शक्तिमान की वह शक्ति, अचिंत्य नाम करके शक्ति जो कि तीन वस्तुओं को उत्पन्न करेगी, वह वहां तर्क चलेगा नहीं, वहां विरुद्ध धर्म एक साथ में प्राप्त हो सकते हैं, यह भी शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित है। और वस्तु अपने स्वरूप को त्याग न करते हुए भी वह अन्य रूप में अपने आप को परिणत कर सकती है। कृष्ण अपने स्वरूप को त्याग नहीं कर रहे हैं, फिर भी वे अन्य रूप में अपने आप को परिणत कर सकते हैं। ये कृष्ण में अचिंत्य शक्ति है। प्राकृत में भी शक्ति है, परंतु प्राकृत शक्ति बंद हो जाएगी। श्री कृष्ण की शक्ति शास्त्र द्वारा स्थापित है, वो कभी भी निषिद्ध नहीं हो सकती, वह कभी भी टाली नहीं जा सकती। और जिसको टाला नहीं जा सके ऐसी जो अचिंत्य वस्तु है, उसके लिए शास्त्र ने ही एक बात और कह दी कि खबरदार, जैसे दूसरे के धन का हरण मत करो, मांस भक्षण मत करो, मदरा पान मत करो, चोरी मत करो,